एप्पल कार बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है गाइस, और ऑफिशियली ये गाड़ी आपको 2025 से 2026 के बीच में देखने के लिए मिलने वाली है। आप जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। तो मैं यार बस हर जगह यही देख रहा था, एप्पल कार, चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाऊँ वहाँ पे मुझे एप्पल कार और हर जगह एप्पल कार ही दिख रही थी। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करा कि क्या सही में एप्पल की कार आने वाली है या फिर ये सिर्फ फेक न्यूज़ है। तो जब मैंने पता करा तो मुझे देखो क्या मिला। And we saw an opportunity to transform another fundamental method of transit, and we call it Apple Car. और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ये पता चल चुका था कि हाँ, ऑफिशियली एप्पल वाले अब अपनी एप्पल कार भी लॉन्च करेंगे। फ़ोन बना ही रहे हैं, अब फ़ोन के साथ साथ कार भी बनाने वाले हैं। इवन मोस्ट ऑफ द जो न्यूज़ चैनल थे उस पर भी यही बात आ रही थी, एप्पल कार, आई कार। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल इंक बाजार में इलेक्ट्रिक कार उतारने की तैयारी कर रही है। हाल ही में इस कार की पेटेंट इमेज लीक हुई। Now get ready for the I car. What's your take on the resurgence of this Apple automobile rumor? An Apple car. Apple car. Self-driving electric car. Apple car. This is really all over the wires. ऐसी बातें। और ये सब देखने के बाद ये बात तो सचमुच में कंफर्म हो गई कि Apple car सचमुच में लॉन्च होगी। कोई भी चीप ट्रिक्स नहीं है, कोई भी चीप हरकत नहीं है। इतना सारा प्रूफ मेरे को मिल चुका था कि हाँ सही में ये लॉन्च होने वाला है। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों के लिए भी एक वीडियो बना दूं कि आप लोग भी अपडेट हो जाओ इस चीज़ से कि हाँ गाइस सही में अब एप्पल भी कार मैन्युफैक्चर करेगी। तो एप्पल जब अपनी कार लॉन्च करेगी उसमें आपको चार्जर देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना ही आपको सीट मिलेगा और ना ही आपको व्हील्स मिलेंगी। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बाहर से खरीदनी पड़ेंगी। ओके मैं मजाक कर रहा हूँ गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। आपको चार्जर मिलेंगी, सीट्स मिलेंगी और आपको व्हील्स भी मिलेगी। जो चीज़ नहीं मिलने वाली इस गाड़ी में वो है आपको स्टेयरिंग व्हील नहीं मिलेगी। स्टेयरिंग व्हील क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये गाड़ी रहने वाली है कम्प्लीट सेल्फ ड्राइविंग कार रहने वाली है, जो कि एक अनदर लेवल की सेल्फ ड्राइविंग कार रहने वाली है। आप सोच रहे होंगे कुछ हद तक टेस्ला जैसी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन नहीं, टेस्ला जैसा कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। टेस्ला में तो स्टेयरिंग व्हील भी होती है, लेकिन इसमें आपको स्टेयरिंग व्हील देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। ये रहेगी कंप्लीट सेल्फ ड्राइविंग, इसलिए इसमें आपको मिलेगा एक बहुत ही बेहतरीन स्पेस, गाड़ी में एक बहुत ही ज़्यादा बेटर स्पेस मिलेगा बैठने के लिए। और इसमें रेडार बेस्ड सेंसर होगा जो कि 360 डिग्री सेंस कर गाड़ी चलेगी खुद ब खुद, जिससे कि फ़ायदा अब ये होगा कि एक्सीडेंट्स ना के बराबर होगी। जो भी आगे चलने वाली कार होगी अगर वो ब्रेक ले लेती है सडनली, तो ये गाड़ी भी ब्रेक ले लेगी और साइड से कटकर निकल लेगी। या फिर हो सकता है कि जो पीछे वाली गाड़ी होगी वो ओवर स्पीडिंग करके आपको ठोकने की कोशिश करेगी, तो उसमें भी आप कंप्लीट सेफ रहोगे, क्योंकि ये गाड़ी उससे भी सेंस कर अपनी स्पीड को बढ़ाकर ऐसे लहराते हुए निकल जाएगी जैसे कि बाइक हो। और अगर कोई गाड़ी लेफ्ट या राइट से आपको हिट करने को आ रही होगी तो उस वक्त पर भी ये गाड़ी या तो स्टॉप हो जाएगी या तो अपनी स्पीड को खुद ब खुद बढ़ाकर आपको सेफली बचा लेगी। तो इससे होगा ये कि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो ना की बराबर होगी, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएगी समझ लो। और इसमें आपको एक चीज़ खास देखने के लिए मिलेगा, वो है AI स्पेसिफिक फीचर विथ सीरी। तो इसमें सीरी से कनेक्टेड आपको एक फीचर देखने के लिए मिलेगी, जिसमें कि अगर आप कहीं दूर हो अपने गाड़ी से तो अपने फ़ोन को ही बोलोगे कि सीरी आई नीड अ कार, तो वो गाड़ी खुद ब खुद निकल कर आप तक पहुंच जाएगी जहां भी आप रहोगे, आपको जहां पे भी ज़रूरत होगी गाड़ी की। तो ये सारी बहुत ही एडवांस लेवल की फ़ीचर्स इसमें दिया जाएगा, जो कि फ्यूचर के फ्यूचर से आया हुआ फीचर लगता है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस गाड़ी की, इसकी प्राइस कितनी रहने वाली है। तो इस गाड़ी की जो प्राइस रहने वाली है, तो आप फोन्स देख लो वो लाखों में आती है एप्पल की, तो कार करोड़ों में आनी चाहिए। बिल्कुल आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ आपको देखने के लिए मिलता है 18% का डिस्काउंट। तो आपको करोड़ों पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये गाड़ी सिर्फ आपको 82 लाख तक में देखने के लिए मिल जाएगी। तेरा बाप यहाँ छोड़ कर गया था कि तेरी माँ? और ये गाड़ी रहने वाली है कंप्लीट EV पावर्ड, ना ही पेट्रोल ना ही डीजल। पर एक चीज़ हो सकता है, EV को छोड़कर एक और एडिशन में ये गाड़ी हम लोगों को देखने के लिए मिल जाए, वो है हाइड्रो पावर एनर्जी से चलने वाली इंजन के साथ में। तो जी हाँ, ये वाली इंजन हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है EV में अगर नहीं मिलती है तो, लेकिन ज़्यादातर ये बना हुआ है कि ये EV पावर्ड ही रहने वाली है। अब जो बात निकल कर आती है इस गाड़ी की डिज़ाइन कैसी देखने को मिलेगी, तो इस गाड़ी की जो डिज़ाइन रहने वाली है वो आपको ऑलमोस्ट BMW की i3 से इंस्पायर्ड देखने के लिए मिलेगी। आप बोलोगे कि तुम्हें कैसे पता? तो मुझे ऐसे पता है क्योंकि हाल के ही रिपोर्ट में निकल कर आई है कि एप्पल वाले एक पोटेंशियल पार्टनरशिप
के बारे में बात कर रहे थे BMW से, और इससे ये प्रूफ होता है कि हाँ BMW की ही डिज़ाइन निकल कर आएगी जो कि एप्पल कार या फिर आई कार की जो डिज़ाइन रहने वाली है। और एक जर्मन रिपोर्ट में ये भी निकल कर आया है कि एप्पल के पास में एक सीक्रेट कार लैब है जो कि बर्लिन में है। जी हाँ, बर्लिन में। और ये कार लैब में एप्पल वाले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने कार्स के ऊपर, जो कि 2026 तक में लॉन्च करेंगे और हमें देखने के लिए मिलेगा एप्पल की कार। तो अब तक हम लोग सिर्फ एप्पल की फ़ोन्स देख रहे थे, चला रहे थे, पर कुछ दिन बाद ऐसा भी आएगा कि एप्पल की कार हमें चलाने के लिए मिलेगी, और उसके बाद ऐसा भी आएगा कि हमें एप्पल की घर में भी रहने के लिए मिलेगा। मतलब कि आप रहोगे एप्पल में, खाओगे एप्पल, हगोगे एप्पल, चलाओगे एप्पल, देखोगे एप्पल, सब कुछ एप्पल एप्पल एप्पल। तो सोचो कितना एप्पल होने वाला है। अब जो गाड़ी की जो शेप है वो आपको सुपर एरोडायनामिक्स देखने के लिए मिलता है गाड़ी में, तो ये भी पॉसिबल है कि ये गाड़ी 700 किलोमीटर तक की स्पीड भी अचीव कर ले और ये बन जाए वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ईवी कार, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। इस गाड़ी की जो हेडलैम्प्स रहने वाली है वो आपको सी शेप में देखने के लिए मिलेगी, और जो इस गाड़ी की हुड रहने वाली है वो आपको कहीं ना कहीं F1 कार की डिजाइन में देखने के लिए मिलेगी। रियर प्रोफाइल की बात करें तो टेल लैम्प्स काफी ज्यादा सिंपल देखने के लिए मिलने वाली है, बट जो रियर बम्पर रहने वाला है वो अल्ट्रा फ्यूचरिस्टिक आपको देखने के लिए मिलेगी। इस गाड़ी में एरोडायनामिक्स के नाम पे इतने सारे छेद भर दिए गए हैं कि इस गाड़ी में बस छेद ही छेद हैं। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात करें तो गाड़ी के इंटीरियर पे आपको स्टेयरिंग व्हील देखने के लिए नहीं मिलेगा, और ये चीज़ गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस बना देती है। इंटीरियर पे आपको एक मैसिव डिस्प्ले भी देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पे कि आप अपने प्रोजेक्ट्स डील कर सकते हैं और प्रोजेक्ट वर्क्स कर सकते हैं, जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होंगे। तो ये सारी फीचर्स जो हैं इस गाड़ी में काफ़ी नेक्स्ट लेवल देखने के लिए मिलने वाली हम लोगों को, तो कोई भी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने के लिए ये गाड़ी बेस्ट हो सकती है। और इतना ही नहीं, ये गाड़ी कंप्लीट कीलेस रहने वाली है। जी हाँ, इसमें आपको कोई भी चाबी देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी जो चाबी होगी वो आपकी आईफोन होगी, आपकी आई वॉच होगी, और यहाँ तक कि आपकी एयर मैक भी हो सकती है। तो इन तीनों डिवाइस से जिसमें भी एप्पल आईडी लॉगिन होगी आप अपने कार को अनलॉक कर सकते हो एक एप्पल डिवाइस के हेल्प से। तो इस वजह से ये कार कम्प्लीटली कीलेस रहने वाली है। और जैसा कि मैंने बताया कि एक दिन ऐसा भी देखने के लिए मिल सकता है कि एप्पल हाउस भी देखने के लिए मिले, क्योंकि रिसेंटली कुछ ऐसे भी खबरें आए हैं कि टेस्ला अपनी हाउस पे टेस्ट कर रहा है, तो टेस्ला हाउस देखने के लिए मिलने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं एप्पल हाउस भी हम लोग को देखने के लिए मिल सकती है, इस बात पर कोई भी शक नहीं है, लेकिन कब तक मिलेगी ये किसी को पता नहीं है। तो फिलहाल वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी लाइक करते हुए जाएं।